मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी सफलता। मुंबई पुलिस ने कार चोरी करने वाले गिरोह के 7 लोगों को धर दबोचा है, जो जाली नाम से बनावटी दस्तावेज के आधार पर गैर कानूनी ढंग से गाड़ियों की खरीद परोख करते थे और बड़े बड़े बैंकों तथा सामान्य लोगों को कार लोन के नाम पर अपने मंसूबों को अंजाम देते थे। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने कुल 19 गाड़ियाँ जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए तक के आसपास बताई गई है, जिसमें 2 मर्सिडीज बेंज, 2 ऑडी, 1 मिनी कूपर और कुछ अन्य कारों का समावेश है। ये सभी कार मुंबई, बेंगलोर, इंदौर और कुछ अन्य शहरों से मुंबई पुलिस ने जब्त की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, साथ ही साथ पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस गोरख धंधे में और कौन लोग शामिल है। आशंका जताई जा रही है कि गिरोह का मुखिया मोरिया ही इस धंधे का मास्टरमाइंड है। यह खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए DRV न्यूज़ के साथ।